दरभंगा में भी रहकर बिना बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं में जाए बिना भी प्रशासनिक सेवा में सफलता पाई जा सकती है। इसकी एक मिसाल बीते दिन जारी 65वीं बीपीएससी के नतीजे में देखने को मिला, जिसके एक बेहद ही मध्यम वर्ग की साधारण सी छात्रा आमना वसी ने शहर में ही स्थित गोल ट्यूटोरियल से अपनी तैयारियों को यहां के शिक्षक वजाहत वलीउल्लाह के मार्गदर्शन में अंतिम रूप दिया। अपनी छात्रा की सफलता से उत्साहित संस्था की तरफ उनके लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मेरा नाम आमना वसी है और मैं दरभंगा जिला से बिलोंग करती हूँ और मैंने 10th RNM गवर्नमेंट गर्ल्स प्लस टू हाई स्कूल से किया और इंटर मैंने 2016 में नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय से किया और 2019 में मैंने नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय से ही स्नातक की परीक्षा पास की और 65th BPSC में मेरा चयन एज अ RDO हुआ है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 21 ईयर। आज आपको सम्मानित किया गया, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने 2 साल में जितनी भी मेहनत की वो सब जो है आज कामयाबी मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। किनके द्वारा ये सम्मानित किया गया? अभी जो मुझे ये सम्मानित किया गया है वो फखरुद्दीन सर के द्वारा सम्मानित किया गया है। कामयाबी के बारे में 2 शब्द आप बताएं। मेरा नाम सैफुर रहमान है, मेरी पढ़ाई उडवाइन मॉडर्न स्कूल से हुई और जस्ट मेरी अकेडमी से मेरी 12th की पढ़ाई हुई और ग्रेजुएशन मेरा जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हुआ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, और मैं केवटी के बाढ़ से मेला गाँव के रहने वाला हूँ और मुझे 65वीं BPSC में बिहार एजुकेशन सर्विस में पोस्ट। मम्मी पापा, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा पुलिस में थे झारखंड में, झारखंड मिलिट्री पुलिस में मेरे पापा पहले से। फैमिली का सहयोग मिला आपके एजुकेशन में, फैमिली का कैसा सहयोग रहा? जी फैमिली का काफ़ी सहयोग था, हर कदम पे सहयोग था और जैसे सभी फैमिली अपने बच्चों का सपोर्ट करती है तो वैसे ही फैमिली का सहयोग था और ख़ास तौर से मेरे दोस्तों का मेरा बहुत सपोर्ट था और जिस माहौल में जिस दोस्तों के साथ मैं रहा, मैं बचपन से उनके साथ रहा और सभी लोग एक दूसरे की मदद कोऑपरेट करते रहे और अभी तक मुझे अपने दोस्तों का भी साथ मिलता है। कामयाबी आपके कदम चूम रही है, ये तमाम कामयाब लोगों की क्रेडिट आपको जा रही है इनडायरेक्टली। क्या कहना चाहेंगे आज के इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम पे? सबसे पहले हम इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं और इनके कामयाबी के पीछे हम मानते हैं सबसे बड़ी योगदान जो है इन लोग का है, स्टूडेंट का। ये लोग मेहनत करते हैं जिससे हमारा भी हौसला अफजाई होता है और टीचर तो एक फैसिलिटेटर होते हैं, हम लोग एक माहौल पैदा करते हैं, बाकी सारा मेहनत इन लोग का है, इनके माँ बाप का है। पॉजिटिवली बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, खास करके हमारे समाज जो है बहुत पीछे है लेकिन लड़कियाँ भी आगे बढ़ रही है, ये बहुत खुशी की बात है। माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसी तरह एक माहौल बने और उम्मीद करते हैं कि हमारे पीछे भी बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो इस कतार में हैं, वो लोग भी कामयाब हों। कितने बच्चे बैठे थे इस मतलब परीक्षा में आपके द्वारा? इस बार 6 बच्चे इंटरव्यू दिए थे जिसका फाइनली सिलेक्शन 2 बच्चे का हुआ जी, आगे भी 66 बहुत लगभग 15-20 बच्चे दिए हुए मेंस लिखे हुए। आने वाले जनरेशन के लिए कोई मैसेज दीजिए। जी मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये लोग मेहनत करें, अब रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, हम कहीं भी तैयारी कर सकते हैं और हम लोग का एक टीम बनता जा रहा है, मतलब जो लोग कामयाब हो रहे हैं बहुत एक्टिवली वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, उनका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। आदिल बिलाल साहब वगैरह काफ़ी एक्टिव रहते हैं, टाइम टू टाइम हम लोग से पूछते रहते हैं, स्टूडेंट के भी कंटेक्ट में रहते हैं। अभी तो नूरजहाँ है, आमना है, ये लोग कामयाब स्टूडेंट हैं, ये लोग गाइड करने के लिए तैयार हैं, वो लोग जितना फ़ायदा उठा सकते हैं वो लोग उठाएँ। मतलब उच्च शिक्षा का हब आप दरभंगा को बनाने का पूरा दृढ़ संकल्प? जी हमारा पूरा कोशिश है कि दरभंगा एक हब बने, एक माहौल बने, एक माहौल बन जाएगा तो फिर बच्चे अपने आप निकलेंगे, उनके सारे समस्या खुद हल हो जाएगा। अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम वजाहत वलीउल्लाह है, मैं गोल ट्यूटोरियल का डायरेक्टर हूँ और मैं बहुत फखरुद्दीन साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका बहुत कॉपरेशन रहता है, नूर आलम खान है और भी टीचर है और बहुत सारे जो अधिकारी अभी काम कर रहे हैं, अजमल परवेज, जावेद साहब, इन लोग का जो है हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन लोग का बहुत
ऑपरेशन रहता है। अब मेडिकल में बैचलर और वोकेशनल कोर्स के लिए कहीं और क्यों जाना, टिम्स है ना? टिम्स? हाँ, UGC से मान्यता प्राप्त दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पैरामेडिकल, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स कीजिए और दीजिए अपने करियर को एक ऊंची उड़ान। एडमिशंस ओपन फॉर 1 ईयर ऑफ डिप्लोमा, 2 ईयर्स ऑफ एडवांस डिप्लोमा एंड बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स। संपर्क करें दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डिम्स कैंपस इन फ्रंट ऑफ गायत्री मंदिर, दरभंगा। कॉल करें 7781061194 या 6203545701 पर।